गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुकिंग विद शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, स्पेनिश कॉर्न सैंडविच। बहुत टेस्टी है, किसी भी पार्टी के लिए, इवनिंग ब्रेकफास्ट सभी के लिए परफेक्ट है। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। आसान सा है और बहुत टेस्टी भी है। एक प्याज है, थोड़े से कॉर्न है, टमाटर है, थोड़ी सी मलाई, एक कैप्सिकम और ये स्पेशल सीक्रेट मसाला, दो हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन, अदरक और पालक। बस दोस्तों इतना ही सामान, इससे बहुत अच्छी टेस्टी बन जाएगी। पालक की डंडियां नहीं निकाली हैं क्योंकि हमें ये पीसना है। सारे विटामिन सारे पालक के डंडियों में निकल जाते हैं। मैंने दो भगोनी में पानी लिया और गैस चालू कर दी। एक में हम अपनी पालक उबालेंगे और एक में हम अपने कॉर्न उबालेंगे। जैसे ही पानी एकदम उबलने लगता है हम उसमें पालक डालते हैं और गैस बंद करते हैं, क्योंकि हमें पालक को दोस्तों गलाना नहीं है, बस नरम करना है। कॉर्न थोड़ा समय लेगा है। गैस बंद कर दी मैंने पालक की और कॉर्न को उबलने के लिए छोड़ दिया। एक मिनट पानी में ऐसे ही पालक को छोड़ा और मैंने उसे निकाल लिया है। थोड़ा सा दोस्तों आधा पिंच सॉल्ट ऐड कर दीजिए तो आपकी पालक का कलर वैसा ही रहेगा, अदरवाइज ठंडे पानी से धो लीजिए तो भी पालक एकदम हरी रहती है। 10 मिनट के बाद मैंने अपने कॉर्न उबल गए थे उनको छान लिया है। कितने अच्छे, थोड़े फूले फूले से दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों मैंने मिक्सर जार में अपनी पालक ऐड की, उसमें अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, इन तीनों को भी डालकर बिना पानी के हमें इसका पेस्ट बनाना है। पालक को अच्छे से ड्रेन कीजिए, उसमें पानी ना रहे। मिक्सी का ढक्कन लगाकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब मैंने गैस चालू किया और अपना पैन लिया है। पैन में सिर्फ एक चम्मच तेल डालकर थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें हम अपनी प्याज ऐड करेंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारी एकदम बारीक कटी हुई प्याज जो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है हमें, इसका कलर चेंज करना है। लगभग 1.5 से 2 मिनट लगा मीडियम फ्लेम पर मुझे प्याज को भूनने में। जब प्याज का कलर चेंज हो गया तो उसके बाद अब इसमें बारी आती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चेंज हो गया है। ये मेरी 2 कैप्सिकम है जो मैंने एकदम बारीक कट किए हैं और इसमें ऐड कर दी। कैप्सिकम से स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप कैप्सिकम को दोस्तों स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पालक और कॉर्न से भी बना सकते हैं। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दोस्तों लाल मिर्ची है, बस इतने से मसाले और एक चुटकी गरम मसाला। इतने से मसालों से बहुत टेस्टी सैंडविच बनेगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें दोस्तों लास्ट में हम एक सीक्रेट मसाला डालने वाले हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, उससे आपके सैंडविच का फ्लेवर एकदम चेंज हो जाएगा। अच्छे से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको भूनिए और फिर टमाटर ऐड कर दीजिए। टमाटर गलने में थोड़ा समय लेता है तो आप इसे चाहे तो ढककर भी पका सकते हैं। थोड़ा सा सब्जियों को क्रंची रखना है। इसके बाद कॉर्न डाल दिया 1 मिनट के बाद में। बस सैंडविच के लिए बनाना है, सब्जी नहीं है इसीलिए थोड़ा क्रंची रखिए। अच्छे से मिक्स किया और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है। एकदम कॉर्न जो थे हमारे उबले हुए थे, आप चाहें तो इसमें फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें हमारा पिसा हुआ पालक का पेस्ट ऐड करने की। पालक का पेस्ट ऐड कीजिए और अच्छे से चला लीजिए। बस तैयार है। अभी दोस्तों एक स्टेप और बाकी है। अगर आपको लगता है थोड़े कॉर्न कच्चे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कीजिए और ढककर आधा मिनट और पका लीजिए, क्योंकि कॉर्न बिल्कुल भी कच्चे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी मिलाने से मसाला सभी अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है। क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहें तो क्रीम को स्किप कर दीजिए, लेकिन क्रीम से सैंडविच का स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच क्रीम डालनी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा सीक्रेट मसाला, ये है मैगी मसाला। आप सिर्फ 1 पैकेट मैगी मसाला इसमें ऐड कर दीजिए, फिर देखिए आपके सैंडविच का टेस्ट एकदम जादू की तरह बदल जाएगा। बहुत पसंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा इसमें वो कौन सा मसाला है जिससे इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मैगी मसाला ऐड किया और गैस एकदम सिंपर कर दी है। हमारी जो सैंडविच की फिलिंग थी तैयार है, बनाकर रख लीजिए और जब मन आता है फटाफट सैंडविच टोस्टर में बनाते जाइए। किसी भी पार्टी के लिए, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, आप चाहे तो मत कीजिए, लेकिन क्रीम से बहुत अच्छा यम्मी फ्लेवर आएगा जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और हमारी रेसिपी और भी हेल्दी हो जाएगी। हमारी स्टफिंग एकदम तैयार है कॉर्न पालक की। मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने घी लगाया है। आप चाहे तो इसमें बटर का उपयोग भी कर सकते हैं। जस्ट 2-3 ड्रॉप इसमें घी लगाइए और जो हमारी पालक कॉर्न की स्टफिंग थी वो अच्छे से इस पर फैला दीजिए। घी लगाने से दोस्तों क्या होता है, हमारी ब्रेड नरम नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें चिकनाई उसको मिल जाती है। मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्टफिंग लगा दी और उसके बाद हमारा जो थोड़ा सा चीज़ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है।
चीज़ आजकल ग्रेट फॉर्म में भी आता है, आप वो ले आइए, इससे बहुत आसानी रहेगी। चीज़ अच्छे से एक्सपेंड कर दीजिए और एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड पर रख कर हमारे ग्रिल टोस्टर के अंदर आप लगा दीजिए। आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। टोस्टर में मैंने इस तरह अपनी दोनों ब्रेड रख दी हैं और उसके ऊपर एक एक ब्रेड और रखा, और ऊपर से जस्ट थोड़ा सा ड्रॉप मैंने बटर डाल दिया है, घी लगा दिया है। दोस्तों आप चाहें तो इसे बिना घी और बटर के भी सेक सकते हैं, क्योंकि पैन मैं दोस्तों थोड़ा सा कढ़ाई में घी तवे पर लगाना पड़ता है, लेकिन टोस्टर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे 1 मिनट के अंदर ही इतने अच्छे ग्रिल हो चुके हैं सैंडविच, टेस्टी यम्मी सैंडविचेस रेडी हैं। चीज़ पालक वाले दोस्तों इसे एंजॉय कीजिए, मुझे बताइए आपको ये कैसे लगे। मैंने पहली बार वीडियो में ट्राई किया है, मेरी कोशिश कैसी थी ये मुझे आप ही बताएंगे, और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।